हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। एंड ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये नई रिक्रूटमेंट आई है। तो अगर आप बिहार में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली जो है नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। एंड इसका जो ऑनलाइन का स्टार्टिंग जो है वो कल से आप ऑनलाइन भी जाके आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट नेम देख सकते हैं, स्टर्नो के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, सैलरी क्या दी जाएगी आप लोगों को, एंड फॉर्म फीस कितना लगने वाला है और कैसे अप्लाई कर पाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। एंड इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हो, अगर डेली बेसिस पर नई जॉब्स की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आ पाएगा। एंड दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, वहां भी डेली बेसिस पे नई जॉब्स का अपडेट आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो फाइनली फटाफट मैं आप लोगों को उस नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूंगा जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे। एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक भी अभी के अभी कर दो। दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहें तो लास्ट में बताने वाला हूं कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पे देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से रिक्रूटमेंट होने वाली, किस पोस्ट के लिए होने वाली यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस बल में वर्ष 2020 में आंसू सहायक अवर निरीक्षक के पोस्ट के लिए होने वाली है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की बात करूँ दोस्तों तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि कल से आवेदन कर सकते हैं, यानी 4th जो है मार्च से आपका जो है बुधवार से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करूं दोस्तों तो 30 मार्च तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बाद जानते हैं क्या क्या बताया गया है। एंड यहां पे जो दोस्तों सैलरी का जो लेवल होगा, लेवल 5 होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको 29,200 रुपये से जो आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या जारी कर दिया गया है। एंड इसके लिए जो है आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर 200 मार्क्स का होगा। इसी बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एंड यहाँ पे उसके बाद जो है आपका स्टोनो का टेस्ट भी होता है, हिंदी जो श्रुति लेखन होता है, टंकन की जो जांच होती है, टाइपिंग स्पीड की चेक आपका चेक होता है, एंड कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपका चेक कर किया जाता है कि आपके पास एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज है या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस वगैरह के बारे में, सब बता दिया गया है इसमें, स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि 1/1/2020 तक जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हो, ठीक है 12th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ईजिली, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज क्राइटेरिया की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए जो अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25, इस तरह से सभी कैटेगरी का एज दिया गया है। आप जब डाउनलोड करोगे तो नेक्स्ट ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकते हो। एंड सीट्स जो भी है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 133 पोस्ट है, इसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, वो आप देख सकते तो यहाँ पे बताया गया है। फिजिकली चैलेंज्ड हो उसके लिए भी अलग सीट दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। देखो दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप SC ST फिजिकल चैलेंज है या फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए कैसे आप ऑनलाइन कर पाएंगे, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है कि फॉर्म फीस कितना लगने वाला, देखो फॉर्म फीस बहुत ही मायने रखता है। एंड यहाँ पर फॉर्म फीस की बात की गई है, अगर आप अत्यंत पिछड़ा हैं, EBC है, पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी EWS कैंडिडेट है, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल या मेल है, तो आपको 700 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है 700 रुपये आपको पे करना होगा। उसके अलावा अगर आप SC ST है, ठीक है, एंड यहाँ पे तो आपको ओनली 400 रुपीज़ पे करना होगा। तो फॉर्म फीस जो है मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा है, 700 एंड 400 है,
तो आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है दोस्तों, इस इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें तभी जाके आप फॉर्म ऑनलाइन कर लें। एंड अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन करने में तो आप कमेंट में जरूर टाइप करें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आप 12th पास हो, अगर आपके पास स्टोनो की नॉलेज है तो आप इस वैकेंसीज के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई नहीं भी करना चाहें कोई इशू नहीं, आप दूसरों को इसको रेफर करें, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको, अगर उसको जॉब की नीड होगी तो वो इसके लिए अप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर इसी तरह की नई वीडियोज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे एक नई वैकेंसी के साथ।